Hello dear students, I hope that you people are doing well. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics EDA. आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है विच इज z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इसका कंजुगेट हमारे पास z बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। जस्ट हमने इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है विच इज b, इसका साइन चेंज करना है। मीन इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज को हम क्या कहते हैं, इसको कंजुगेट कहते हैं। इसकी एक नाइस एग्जाम्पल है, z इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। सो जब इसका हम कंजुगेट लेंगे z बार इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। अब इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देख लें, सो बेसिकली कंजुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट से ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, जिसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम ए बी ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं। इसका जो कंजुगेट आएगा दिस विल बी द रिफ्लेक्शन ओवर व्हाट, ओवर द रियल एक्सिस। मीन ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है, तो ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस। ये आपके पास बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में, विच z बार इक्वल टू a माइनस b आयोटा ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑनवर्ड हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट है। कंजुगेट के कई सारी प्रॉपर्टीज है, यहां पर हम चंद डिस्कस करते हैं। z बार होल बार इज इक्वल टू z, मीन किसी भी रियल नंबर का अगर हम 2 टाइम्स कंजुगेट लेते हैं सो वो ओरिजिनल नंबर बन जाता है, वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसका प्रूफ आप देख ले, फॉर एग्जाम्पल z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो z आपके पास आएगा a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। जब इसका हम कंजुगेट लेंगे सो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगेन आप कंजुगेट लेंगे मीन z कंजुगेट होल कंजुगेट, सो जो रिजल्ट आता है दिस इज a प्लस बी आयोटा विच इज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर एक एग्जाम्पल है छोटी सी, z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं सो रिजल्ट आता है 1 माइनस 2 आयोटा। सेकेंड टाइम आप कंजुगेट लेंगे सो ये अगेन चेंज हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा विच इज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका अगर आप क्या ऐड करते हैं कंजुगेट ऐड करते हैं सो जो रिजल्ट आता है दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका प्रूफ आप देखें, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं सो जो रिजल्ट आता है दिस इज a माइनस बी आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया। सो दोनों को आप ऐड कर दें, z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a विच इज बेसिकली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ऑनवर्ड एक एग्जाम्पल है, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सो इसको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, अगर आप मैनुअली ऐड कर दिए z की वैल्यू पुट कर दिए उसके बाद z कंजुगेट के दोनों को आप ऐड कर दें, डायरेक्टली हम इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज 2, सो रिजल्ट आपके पास 4 आता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, z माइनस z कंजुगेट आपके पास 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इस तरह यहां पर प्रूफ है, z इक्वल टू a प्लस b आयोटा, जब हम इसका कंजुगेट लेंगे सो ये आपके पास बनेगा a माइनस b आयोटा। दोनों की आप सब्ट्रैक्शन करें सो a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस b आयोटा, ये ऑपरेट हो जाएगा, दिस विल बी माइनस a एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस b आयोटा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इन टू b, जो कि इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इन टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ये सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कंजुगेट का। 2 प्लस 3 आयोटा, इसका अगर हम कंजुगेट फाइंड करें सो दिस इज 2 माइनस 3 आयोटा,
जी माइनस जी कंजुगेट टू टाइम्स ऑफ आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज थ्री, थ्री टूज आपके पास सिक्स बनेगा, ओवरऑल रिजल्ट सिक्स आयोटा आता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ जी इक्वल टू जी कंजुगेट देन जी इज प्योरली रियल। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, कि अगर एक नंबर सेल्फ कंजुगेट है तो उसका जो वो बेसिकली आपके पास रियल नंबर बनेगा। यहाँ एग्जाम्पल है z इक्वल टू फाइव, z कंजुगेट आपके पास बनेगा, मीन इसको हम लिख सकते हैं दिस इज फाइव प्लस जीरो आयोटा। सो ये साइन अगर हम चेंज करेंगे सो स्टिल ये आपके पास क्या बनेगा, फाइव बनेगा। सो इसको अगर आप देख ले z इक्वल टू फाइव, इसका कंजुगेट भी फाइव की इक्वल है, सो z इज सेल्फ कंजुगेट एंड आप देख सकते हैं कि z आपके पास पेवर रियल नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ z इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ z कंजुगेट देन z इज पेवरली इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर z इक्वल टू b आयोटा, हमने एक पेवर इमेजिनरी नंबर लिया है, इसका अगर आप कंजुगेट ले लें सो इसका इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी पार्ट सो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस b आयोटा। अब इसके साथ अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिए सो दिस विल बिकम b आयोटा। फ्रॉम a एंड b दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू माइनस z कंजुगेट एंड हम देख सकते हैं कि जो हमने z लिया है वो बेसिकली प्योरली इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू जीरो देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट हम ऐड करते हैं, रिजल्ट हमारे पास अगर जीरो आता है सो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। z इक्वल टू b आयोटा, इसका अगर हम कंजुगेट ले लें सो दिस विल बिकम नेगेटिव टाइम्स ऑफ b आयोटा। इन दोनों को अगर ऐड कर दें सो दीज आर एडिटिव इनवर्सेस फॉर ईच अदर, रिजल्ट हमारे पास जीरो आ जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि गिवन जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है दिस इज प्योर इमेजिनरी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, इफ z इक्वल टू टू प्लस नाइन आयोटा देन z कंजुगेट इज इक्वल टू व्हाट। कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा सो दिस विल गिव अस टू माइनस नाइन आयोटा। सो बेस्ट पॉसिबल जो चॉइस है दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड वन है, इफ z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू जीरो देन z इज व्हाट, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, नेचुरल नंबर आर नॉन ऑफ दिस। सो z प्लस z कंजुगेट अगर जीरो होता है, हेयर वी हैव अ नाइस प्रॉपर्टी, देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर आर प्योर इमेजिनरी नंबर। सो इसका जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस है दिस इज इमेजिनरी, या हम लिख सकते हैं प्योर इमेजिनरी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।